नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सभी को। आप सभी को पता है कि हम लोग विगत 1.5 साल से शिक्षक भर्ती को लेके संघर्षरत है, प्रयासरत है कि कैसे भी करके हमारी जो भर्ती है वो पूर्ण हो। छत्तीसगढ़ में अब भर्तियों के लिए अलग अलग स्टेज हो गए हैं। पहले ये होता था कि परीक्षा दो, परिणाम लो और मेरिट में रहकर चयन हो जाए। अब परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी हैं। अब आपको परीक्षा भी देना है, अच्छा परफॉर्म भी करना है, परिणाम आने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में हो तो भी आपको संघर्ष करना है, धरना प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देने हैं, उसके बाद भी आपको नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वक्त मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, कारण सिर्फ एक ही है कि समय समय पर कांग्रेस गवर्नमेंट और उनकी पार्टी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोज किया गया। स्पीक अप फॉर देश, स्पीक अप फॉर दिस उद्देश्य था सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का और उनके जो भी गतिविधियां हैं उसका विरोध करना। हमने भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को बार बार हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि भर्ती में विलंब हो रहा है, जो एक एक्चुअल टाइमिंग है उससे कहीं बहुत आगे निकल चुकी है भर्ती, निर्धारित समय क्रॉस कर चुका है। और चूँकि आप सब जानते हैं कि व्याख्याता के जो परिणाम आए थे उसके लिए 30 सितंबर जो है वैधता की अंतिम तिथि है। हमने ज्ञापन दिए, हमने लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात की, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किया और फाइनली जब हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, सितंबर महीना कल से चालू हो जाएगा और सिर्फ 30 दिन बचेंगे हमारे पास गिन के रिजल्ट की वैधता को लेके, तो हमने कोर्ट में बात भी दायर किया ताकि भर्ती पूर्ण हो। केवल भर्ती पूर्ण करने हेतु हमने बात दायर किया और उसकी भी सुनवाई, लेकिन हमने हर तरह से, हर प्रकार से शासन को जागृत करने का, उनको अपने पक्ष में लाने का, उनको विश्वास में लाने का, उनकी चेतना जागृत करने की हमने हर तरह से कोशिश की। हमने ट्विटर डे मनाया, हमने 22 तारीख को एक अच्छा कार्यक्रम किया जहाँ पे हमने मीडिया का सपोर्ट पाया और बातें उन तक पहुँच रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पहुँच रही हैं, सभी को पहुँच रही हैं, पर कहीं ना कहीं शासन की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है भर्ती को लेकर। और आप सबको पता है कि हमने 22 तारीख को एक प्रेस विज्ञप्ति जो भी बोले आप उसको एक बार, हमने जो जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने भी बाइट्स दिए हैं, सभी में हमने कहा है कि अगर कल आज की तिथि तक है ना, एक तारीख क्योंकि कल एक तारीख है और आज की तिथि तक अगर कोई प्रोग्रेस नहीं आता है तो हम 5 तारीख को एक बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, उसको अग्रिम बधाई और अशेष शुभकामनाएं कि आप लोग का ये जो प्रयास है सफल हो निसंदेह। तो हमारा ये प्रयास है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का घेराव करती है, स्पीकअप स्पीकअप बोलकर वो अलग ट्रेंड चलाती है फेसबुक पर, तो आज मुझे लगता है कि हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी, अधिकतर लोग, अगर मैं बोलूँ तो 99% लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो आज तक हमने ट्विटर पर कहीं ना कहीं शासन को अपनी बात पहुँचाई है, विरोध भी किया है, उनकी बढ़ाई भी की है, हर प्रकार से हमने शासन को अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की। तो क्यों ना हम एक बार फेसबुक का भी एक अपना जरिया बनाएं, फेसबुक को अपना। और आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि कल 1 तारीख को, 1 सितंबर को, क्यों ना हम सभी 12 से 4 को, दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक एक हम लोग कैंपेन चलाएं जिसमें हम सभी अपने व्यक्तिगत फेसबुक आईडी पर आएं, न कि संघ के पेज पे, बल्कि अपने व्यक्तिगत पेज पे। कारण ये है कि अगर हम लोग 3 लाख लोग भी अगर पेपर दिए हैं और उस 3 लाख लोगों में अगर सभी के अंदर ये चेतना कि मेरा परिणाम आया नहीं आया, मुझे मेरा चयन हुआ कि नहीं हुआ, अगर उनके अंदर ये भावना ना हो और सभी मिलकर बेरोजगारी की भावना से, क्योंकि हम एक परिवार हैं, तो उस भावना से सभी के सभी अपने आईडी पर लाइव आएँ। हमारी आईडी में मिनिमम 100 फ्रेंड्स तो होंगे, तो अगर 3 लाख लोग 100 लोगों से लाइव मुखातिब हों, लाइव उनसे बातचीत करें और अपनी तकलीफ उनको बताएं कि हाँ हम जो है ये चीज़ें भोग रहे हैं, ये चीज़ें हम तकलीफ झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना फेस कर रहे हैं और चयनित होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं एक तकलीफ जो है हम फेस कर रहे हैं नियुक्ति को लेकर। जी साउंड ठीक है, मैं साउंड को देख रहा हूँ। तो मेरा वही बोलना है आप सभी से, क्यों ना हम सभी लाइव आकर अपने व्यक्तिगत फेसबुक आईडी पर एक मुहिम चलाएं, स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट। मैं फिर से रिपीट करूँगा, स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट। हम सब लाइव आएँ। देखिए हेजिटेट मत होइएगा, मैं भी लाइव नहीं आता बार बार, लेकिन चूंकि अगर अपना अधिकार चाहिए आपको
तो आपको लड़ना पड़ेगा, और जो चीज़ें आप नहीं करते हैं वो भी करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरे फेसबुक आईडी मेरे फैमिली है, मेरा फ्रेंड है, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। इन सब विचारों को त्याग दीजिए आप, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना, और उसके लिए ज़रा सा भी आप लोगों को मतलब हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हक की बात कर रहे हैं, आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हम सबको स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट इस कैंपेन को चलाना है 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। कारण स्पष्ट है कि हमने जब भी भर्ती को लेकर मांग की, जब भी भर्ती को लेकर हमने ज्ञापन सौंपे, धरना किया, हमने जो भी कार्रवाई की, हमें केवल एक ही जवाब मिला कि कोरोना काल है। आप सबको पता है कि नवंबर दिसंबर में हमारी लगभग ऑलमोस्ट सभी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी, व्याख्याता की तो खासकर हो चुकी थी, और हमारे जो शिक्षक सहायक शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका पात्र अपात्र सूची केवल जारी करना था। और मुझे नहीं लगता कि पात्र अपात्र सूची जारी करने के लिए कोई कोरोना का संकट आ रहा है। अगर हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है तो उसके लिए भी ऑनलाइन विधि निकल सकती है। जब पढ़े तो हर द्वार आ सकता है, है ना। पोंगा पंडित बनकर आप बीच चौराहे पे पोंगा से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो इस कार्रवाई को भी पूर्ण करने में मेरे ख्याल से कोरोना कोई संकट नहीं है, केवल बहानेबाजी है। दिसंबर से लेकर मार्च तक कोरोना का कोई संकट नहीं था, 3 महीने बिल्कुल ही कोरा था, बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की, केवल टाला है भर्ती को। चुनाव निकाले, अपने 3 चुनाव निकाल लिए उन्होंने इस भर्ती के माध्यम से। हर अभिभाषण में जितने भी नेता लोग थे उन्होंने इस अभिभाषण में अपने इस भर्ती का उल्लेख किया, और इस भर्ती का उल्लेख कर कर इन्होंने बेरोजगारों से वोट पाया, चुनाव जीता, और चुनाव जैसे ही निपट गए हम उनके लिए केवल केवल मतलब ना यूज़ एंड थ्रो जैसी चीज़ हो गए हम लोग, कि हम लोगों का वोट लिया और हम लोगों को एक तरह से फेंक दिया। हमसे मिलने तक का उनके लिए वक्त, उनके पास वक्त नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। तो आप सबसे मेरा पुनः विनती है, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों से मेरे को आ रहा है कि आप आवाज़ साफ नहीं आ रही, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, थोड़ा वेट करेंगे प्लीज़। आई थिंक अब मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप सब। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो हमसे व्यक्तिगत नहीं मिल सकते हैं, उनके पास वक्त नहीं है हमारे लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी तकलीफ को सुनने के लिए, तो हमारे पास सोशल मीडिया जो है एक सशक्त माध्यम है। हमने अभी तक ट्विटर का सहारा लिया था, आज हम फेसबुक का सहारा लेंगे। फेसबुक एक बहुत ही प्रचलित सोशल मीडिया ऐप है, अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कांग्रेस इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के योजनाओं को, उनके क्रियान्वयन को, जो भी उनकी गतिविधि है उनका विरोध करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो हम भी इसी प्लेटफॉर्म को कांग्रेस का विरोध करने के लिए नहीं, केवल हमारी मांग उन तक पहुँचाने के लिए कि आपने जो भर्ती पूर्ण की, जिसके भरोसे आपने 3 चुनाव जीते हैं, उस भर्ती को पूर्ण करिए। हमको आपसे कोई बैर नहीं है, विलंब हुआ, कारण जो भी रहा हो, हम कोरोना का तो कारण नहीं मानते हैं, हम सब जान रहे हैं ये बहानेबाजी है, फिर भी हम केवल आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं प्रदेश शासन कि आप कैसे भी करके हम बेरोजगारों को, हमने कड़ी मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसकी तैयारी की, अपने जो भी वर्तमान में जो भी आय के साधन है उसको त्यागा, और फिर इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए हमने कठिन परिश्रम किया, रैंक अर्जित की, परिणाम सूची में हमारा मेरिट में नाम आया, दस्तावेज परीक्षण कराया, और उसके बाद से हम बस बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें रोज़गार मिलेगा, कब हमारे वेतन को हमको वेतन हमारा मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमने इंतज़ार जो है बहुत लंबे समय तक किया है, और हर माध्यम से जो हम मांग कर सकते थे हमने की है। तो एक बार फिर से आप सबसे प्रार्थना है, हम जान रहे हैं कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो थाट्स हैं हमारे मन में घर कर गई है कि हमने इतना कुछ किया उसके बावजूद हमें कोई परिणाम नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि कोशिश करने से ही शायद जीत मिलेगी। जब लगातार पत्थर पे पानी चलता है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो प्रदेश शासन है वो पत्थर तो नहीं है, और अगर लगातार हम उनसे मांग करेंगे, अपनी बातों तक पहुँचाएँगे, तो हमको कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का जो अभी तक बहाना बनाया गया, क्या कोरोना काल में निगम मंडलों में नियुक्तियाँ नहीं हुई? क्या कोरोना काल में संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं हुई? कोरोना काल में ही विधानसभा सत्र में विधायकों के वेतन भत्ते दुगुने कर दिए गए। कोरोना काल में ही करोड़ों की लागत से नए विधानसभा का भूमि पूजन कराया गया। कोरोना काल में ही मंत्रियों के लिए नए बंगले बनने वाले हैं नए रायपुर में, जिसका भी भूमि पूजन किया गया। कोरोना काल में ही विधायकों के लिए नए भवनों का निर्माण होगा, नए भवनों का क्रय किया जाएगा दिल्ली में। तो इतनी सारी कार्रवाई हो सकती है कोरोना काल में, हज भवन का निर्माण हो सकता है कोरोना काल में,
लेकिन बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल सकती कोरोना काल। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सब कल 1 सितंबर को दोपहर को 12 बजे से 4 बजे अपने अपने फेसबुक आईडी पर आएं, लाइव आएं, और जो भी आपके मन की व्यथा है इस भर्ती को लेकर उस लाइव वीडियो के माध्यम से अपनों को और अपनों से जुड़े अपनों को पहुंचाएं। हो सकता है कि कल ये मुहिम बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि अगर हम 3 लाख अभ्यर्थी सभी के सभी अगर फेसबुक पर लाइव आते हैं तो निस्संदेह सोशल मीडिया के साथ साथ जो हमारे प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उनके भी ध्यान में हम आएंगे। साथ ही जो भी व्यक्ति फेसबुक खोले, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति, इवन इंडिया का कोई भी व्यक्ति, हमारे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक खोले तो उनको सिर्फ और सिर्फ हम नज़र आने चाहिए, हमारी मांग नज़र आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम अगर केवल केवल अपने घर से बैठकर 10 मिनट का वक्त निकालें और लाइव वीडियो पे आएं और जो भी अपने मन की व्यथा है, आज तक हम सब अलग अलग माध्यमों से अपनी बात कहते आए हैं, सबके अंदर पीड़ा भरी हुई है, संयमित भाषा में, मर्यादित भाषा में और एक शिक्षक का परिचय देते हुए सम्मानजनक तरीके से अपनी बात हम फेसबुक लाइव के माध्यम से रखें, शासन को अपनी पीड़ा से अवगत कराएं, और ना सिर्फ शासन को बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उन सब तक अपनी बात पहुंचाएं कि कैसे बेरोजगारों का शोषण होता है, कैसे बेरोजगारों को लटकाया जाता है। एक बच्चा जो जीवन भर संघर्ष करके पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और इस काबिल बनता है कि वो शासकीय नौकरी के लायक बन सकें, और जब वो पेपर देख के पास होता है उसके बाद उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, इन सब बातों को हम सबको अपनों के करीब प्रस्तुत करना है। केवल शासन ही नहीं, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को पता चलना चाहिए कि एक बेरोजगार किस परेशानी से जूझ रहा है। और मेरी पुनः आप सबसे विनती है, जो भी चीज़ें शासन ने अभी तक लाए हैं, चाहे वो 3 साल का प्रोबेशन हो या फिर जो नया वर्ड इस्तेमाल किया गया स्टाइपेंड, इन सब का विरोध करने का ये सही समय नहीं है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। पहले आप सब अपनी नियुक्तियों पालें, अपनी नियुक्ति पालें, पदस्थापना पालें, और उसके बाद में यदि आप उस स्थान पर रहें और आप उस काबिल रहें तब उसका विरोध करें, क्योंकि स्टाइपेंड वर्ड केवल शिक्षकों के लिए नहीं किया जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर को भी स्टाइपेंड वर्ड से नवाजा जाएगा। मैं जान रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमको इस वक्त नियुक्ति पर फोकस करना है, अपनी भर्ती पर फोकस करना है। अगर हम हर चीज़ पर विरोध करेंगे तो हमारी भर्ती ही टलेगी। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, शासन के जो नियम हैं चाहे वो हमारी इच्छा हो या ना हो स्वीकारना है, क्योंकि हमारा प्राइमा फेस ऐसी वे की टारगेट है, हमको नियुक्ति चाहिए, हमको पदस्थापना चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और एक वक्त आएगा जब सभी चीज़ों का विधिवत, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एक वक्त आएगा जब सभी चीज़ों का विधिवत तरीके से विरोध किया जाएगा। विरोध करने का नहीं है यह वक्त, बिल्कुल भी विरोध करने का नहीं है। सबको एकजुट होकर केवल एक ही मांग करनी है कि हमारी भर्ती पूर्ण हो, और इसके लिए आप सबको कल दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक फेसबुक पर अपनी आईडी पर लाइव आना है। आप चाहें तो फेसबुक आईडी के ऊपर जब आप लाइव आएंगे, रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, लाइव जब चला जाएगा, उसके बाद आप उसको हमारे जितने भी बी एड संघ के फेसबुक पेज हैं, व्हाट्सएप पेज हैं, टेलीग्राम पेज हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं उन सब में, हमारे जो ग्रुप है उन सब में आप शेयर करिए। इवन आप इसको चाहें तो ट्विटर पर भी आप उसको लगाकर अटैच करके, जो हमारे गणमान्य मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हमारे जितने मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, अधिकारी हैं, और जिनको भी अभी तक आप ट्विटर में टैग करते हैं उनको टैग करके आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप सबसे विनती है कल 12 बजे से लेकर 4 बजे तक फेसबुक पर लाइव आएँ, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी भी तरह से असंयमित नहीं होंगे, शिक्षक होने का परिचय देंगे और बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से अपनी पीड़ा को बिल्कुल इसकी व्याख्या करेंगे, और बिल्कुल भी शर्माएंगे नहीं कि मेरे फेसबुक आईडी पर मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के लोग हैं तो वो देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या छवि बनेगी। यकीन मानिए, जो अपने हक के लड़ता है वो योद्धा होता है, और योद्धा को शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इस भर्ती के योद्धा हैं। सो स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट, आई एम रिपीटिंग, स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट। हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमको ये चीज़ जो मैंने अभी आपको कही है, स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट, आपको ये चीज़ें उसको मेंशन करना है कैप्शन के रूप में अपने लाइव वीडियो में, और आपको इस लाइव वीडियो को अपने आईडी पर लाइव रिले करना है, लाइव चलाना है, और अपने से लोग जुड़े लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी है कि एक बेरोजगार शिक्षक चयनित अभ्यर्थी के साथ में क्या गुजर रहा है इस वक्त। मेरी आप सबसे पुनः विनती है कि अगर आपको किसी भी तरह का
लगता है कि मैं ये क्यों करूं, तो क्यों का आपको अच्छे से पता है क्यों करना है, क्योंकि हमको नियुक्ति चाहिए, पदस्थापना चाहिए। और यकीन मानिए सोशल मीडिया पे कोई और करेगा तो भी हो जाएगा, ये भावना त्यागनी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए कल हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, ताकि छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष में कोई भी फेसबुक ओपन करता है तो उन्हें केवल और केवल हमारा लाइव वीडियो मिलना चाहिए, जिसमें हम अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद, और मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि संघर्ष करना मत छोड़िएगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आज की दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ग्रेट डे हैड।